हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का नेचर टेक एकेडमी की वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम अहमद, और जैसा कि आप अपने पिछले वीडियोस से पावर क्वेरी कुछ फीचर सीखते हुए आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट न्यू फीचर इन पावर क्वेरी, एंड वो फीचर है नंबर कॉलम्स। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो दोस्तों, नंबर कॉलम्स का जो यूज़ करते हैं पावर क्वेरी में, उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है और उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी डेटाबेस को पावर क्वेरी में अगर आपको यूज़ करना है दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा कि उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपली आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लो, क्लिक करने पे ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आप ओके कर दो। ये हुआ मैनुअल वे। और दूसरा तरीका है कि अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो डेटा आपको डायरेक्टली टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंपली आप उसको ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करते हो दोस्तों, तो ऊपर में टेबल टूल्स के साथ डिज़ाइन का ये टैब रिबन टैब में ओपन हो जाता है। और आप क्या करो, टेबल नेम में जाकर उसको एक कोई भी एक नाम डिफाइन कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियोस को एंड तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस टेबल को एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा बेस। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, ना एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद पावर क्वेरी में किसी भी डेटाबेस को ऐड करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखता है एक गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर ये पावर क्वेरी के सारे फीचर्स होते हैं। मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि पावर क्वेरी 2013 का फीचर है, एमएस ऑफिस के वर्जन 2013 का फीचर है। 2013 जो भी यूजर्स यूज़ कर पा रहे हैं, कर रहे हैं अभी तक, उनको माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका लिंक मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, आप सजेशन में जाकर उसको देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस 2016 या 365 यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इनबिल्ट होकर इस वर्जन के साथ आया है, जो कि डेटा टैब में जाने पर यहाँ पर मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ से जब आप टेबल यहाँ ग्रेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में आप आते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज। आप यहाँ से भी क्लिक करके उस इस डेटा को ऐड कर सकते हो। आप वे है गेट डेटा में गया, फ्रॉम अदर सोर्सेस में गया, फ्रॉम टेबल एंड रेंज यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ से भी मैं इसको पावर क्वेरी में ऐड कर सकता हूँ। दूसरा है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर देता हूँ, तो शॉर्टकट भी अपनाते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही इस पर क्लिक किया दोस्तों, ये डेटा प्रॉपर उसको उठाकर एक नई विंडो में ले जाएगा। आप देख सकते हो एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी, और तो ये नए डायलॉग बॉक्स में उस टेबल फॉर्मेट को ओपन करेगा, और इस डायलॉग बॉक्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी। और इस पेज पे जिस पे हम ये वर्कआउट करते हैं, इसको पावर क्वेरी एडिटर बोल सकते हैं। आप यहाँ ऊपर टॉप पे देख सकते हो, होम ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम्स, ये इसके रिबन टैब्स हैं। नाउ यहाँ पर आपको दिखता है वो टेबल नेम जो आपने वहाँ पे डिफाइन किया था। बेसिकली इसके अंदर ये है कि अगर आपने मल्टीपल टेबल फॉर्मेट को आपने अपलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी में, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे बेसिकली शो करती है। तो आपको जिस पे जो भी सेटिंग करनी है, उस टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो। एंड यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उसको नाम डिफाइन करना आपको बोला था कि आप करके रखिएगा, सो दैट कि किसी भी टेबल फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। यहाँ पर आइए, इस जो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको टाइप करना नहीं है, ये एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसको एम कोड बोलते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी में यूज़ की जाती है। यहाँ पर राइट साइड अगर आप देखोगे तो ये क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर वो नाम शो करता है कि ये जो डेटा है वो इस डेटा के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेल्स डेटाबेस के नाम से। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब होता है सर कि यहाँ इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी आप स्टेप्स करोगे, अगर आपने कोई भी स्टेप्स गलत कर लिया और आप चाहते हो कि जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, कोई भी अगर गलत स्टेप कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी में कंट्रोल जेड नहीं करना है। जो भी स्टेप आप यहाँ पे करते हो, उसके सामने ये क्रॉस का सिंबल आता है, आप उस पर क्लिक कर दोगे, आप वापस प्रीवियस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर कॉलम्स
कॉलम्स के बारे में, नंबर कॉलम्स डायलॉग बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपके ट्रांसफॉर्म में देखो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अब ये सारे के सारे हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि देखो सिलेक्शन मैंने किसका कर रखा है, डेट का कर रखा है। अच्छा दोस्तों एक पॉइंट और आपको बता दूं कि ये देखो डेट कॉलम में मैंने सिर्फ डेट लिखा था, बस डेट के साथ से इसने टाइम भी ये शो कर रहा है, दिख रहा है ना, डेट के साथ साथ टाइम भी शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये फाइल फॉर्मेट ठीक करना है कि नहीं मेरे को सिर्फ डेट डेट देखना है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, सिंपल है। पहला होम पर यहाँ पर डेट एंड टाइप में चले जाओ और यहाँ से आप क्या चूज कर दो, डेट, एक ये हुआ। दूसरा है कि आप इसके सामने यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करो तो भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और आपको जो भी फॉर्मेट चूज करना है आप सिंपल उस पर क्लिक कर दो और वो फॉर्मेट उसमें चेंज हो जाएगा। देखो दोस्तों जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ये चेंज कॉलम टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि सर जो कॉलम आपने अभी सेलेक्ट किया है, जो भी सेटिंग आप चेंज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उसका इफेक्ट सिर्फ इसी पे चाहते हो या नया कॉलम ऐड कर दूं? तो हम लोग इसी पे चाहते हैं, तो यहाँ पर रिप्लेस करंट पे क्लिक कर देते हैं और देखो ये इसको स्टेप यहाँ पे इसने इसको चेंज कर दिया, करेक्ट है ना। अब एक बार चेक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में गया वापस से, देखो अभी भी ये हाइड है, हाईलाइट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने सिलेक्शन डेट का कर रखा है। जैसे ही मैंने सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट किया, अब आप दोस्तों देख सकते हो, देखो ये अब ये सारे ऑप्शन हाईलाइट होंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड ऑप्शंस था। लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो किया था टेक्स्ट कॉलम की ग्रुप के बारे में, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर कॉलम्स की ग्रुप के बारे में। आने वाले वीडियोज में मैं आपको डेट एंड टाइम कॉलम के बारे में भी बताऊंगा। अब देखो दोस्तों इसका क्या यूज है, अब इसके सबसे पहले पार्ट स्टेटिस्टिक्स से यूज करते हैं। अगर मुझे इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, सब। अगर मुझे इस सेल्स अमाउंट का टोटल फिगर जानना हो, मैं अगर सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मुझे टोटल फिगर मालूम चल जाएगा 54,044। और जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया आप यहाँ देखो दोस्तों एक स्टेप और आ गया, उसका नाम आ गया कैलकुलेटेड सम। इवन आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स अमाउंट और एंटर हिट कर दिया, है ना। अब इसके बाद यहां से मैं अगर इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूं, मैं इस पे वापस से क्लिक कर रहा हूं, तो इस पे क्लिक करते ही मुझे मुझे वही डेटा वापस से मिल गया, है ना। अब मैं इस पे गया और यहां से मैं वापस से गया ट्रांसफॉर्म। अच्छा दोस्तों ट्रांसफॉर्म में स्टेटिस्टिक्स में देखो कितने सारे ऑप्शन है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, काउंट करना, काउंट डिस्टिंक्स काउंट। तो आई होप कि ये मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, एवरेज आप सबको पता होगा। नीचे के दो ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, मैं वो जरा आपको बता दूं। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, काउंट वैल्यूज एंड काउंट डिस्टिंक्स वैल्यूज। दोनों में क्या डिफरेंट है? देखो अगर मैं काउंट वैल्यूज की बात करता हूँ, है ना, काउंट वैल्यूज की बात करता हूँ, तो देखो कितना वो काउंट करके बता रहा है, 15, जिसका नाम मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ, राइट क्लिक रीनेम टोटल काउंट एंटर। नाउ वापस इस पे आया, अब देखो यहां से अगर मैं इस पे, हाँ अब आते देखो उस पे ट्रांसफॉर्म पे गया, स्टैटिस्टिक्स में गया और डिस्टिंक काउंट पे क्लिक किया, तो डिस्टिंक काउंट पे क्लिक करने पर ये मैसेज बार बार इसलिए आ रहा है कि देखो इसके नीचे वाले स्टेप्स में ये इसको ऐड करेगा, है ना। तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तब भी इसने आंसर क्या दिखाया, 15। लेकिन मैं इसको देखो क्रॉस करके वापस चला जाऊंगा, देखो मैंने इसको डिलीट किया, मैं वापस इस स्टेप पर आ गया, ठीक है। लेकिन डिस्टिंक काउंट और काउंट में ये डिफरेंट होता है कि जैसे ये है, अगर मैं इस टोटल को काउंट करूं तो भी इसका आंसर 15 ही होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट नहीं करता। काउंट फंक्शन क्या करता है, डुप्लीकेट को भी काउंट कर देता है, लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, डुप्लीकेट को काउंट नहीं करता। और अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज को काउंट करता हूँ दोस्तों, तो देखो उसका आंसर क्या आता है, 10। यानी उसने क्या किया, आपके इसको डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट नहीं किया दोस्तों। तो ये है डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट। ओके दोस्तों ना अब आते हैं हम लोग सेल्स अमाउंट, लेट्स डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। अच्छा इसको इस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ऊपर ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं ऐड कॉलम पे जाता हूं तो भी मुझे देखो वो वही ऑप्शन यहां पे भी शो कर रहा है, दिख रहा है ना, और ट्रांसफॉर्म में भी शो कर रहा है। तो क्या रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी के अंदर ये दोनों फीचर्स दो दो बार दिया गया है? इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि अगर आप ट्रांसफॉर्म में इस फीचर का यूज करोगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उसी कॉलम में दिखेगा
लेकिन अगर आप उसका रिजल्ट नेक्स्ट कॉलम में चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल्स अमाउंट का जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैं गया, मैंने यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है ना, ऐड मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी सेल्स अमाउंट की फिगर है मैं उन सब में 1000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ 1000 लिखा और सिंपली ओके कर दिया, तो देखो उसका इफेक्ट आपके सेल्स अमाउंट पे पड़ गया, करेक्ट है ना। नाउ अब अगर मैं जाता हूँ ऐड कॉलम में और स्टैंडर्ड में जाकर मैंने यहाँ पे ऐड लिया और ऐड पर मैंने यहाँ लिखा 1000, अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने इसको ओके किया तो देखो उसने रिजल्ट तो दिया लेकिन कहाँ दिया, नेक्स्ट कॉलम में। तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है लेकिन रिजल्ट आपको किसी और कॉलम में देखना है तो डोंट गो विद द ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, तुम्हें यूज करना है ऐड कॉलम। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फीचर्स दे रखा है, लाइक मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ देख सकते हो, हाँ मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, हाँ तो ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक में अगर आते हैं तो आप देखो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो, पावर आप स्क्वायर इसका स्क्वायर बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा पे नहीं कर पाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनको भी यूज़ कर, लॉगरिथम निकाल सकते हैं हम अपने इस माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर राउंडिंग मेथड दे रखा है, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड फिगर में ला सकते हैं हम वैल्यूज़ को। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको जानना है कि कौन सी, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में चलता हूँ और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे इज इवन, इज और, दो ऑप्शन है, मैंने इज एमन पे क्लिक किया, देखो क्या होता है, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो उसके सामने एक और कॉलम आ गया और वो बता रहा है कि कौन सी फिगर इवन में है, कौन सी फिगर ऑड में, तो जो ट्रू है वो इवन और जो फॉल्स है वो आपके ऑड के अंदर है। तो इस ऑप्शन का जो यूज है वो बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों फ्रॉम ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नंबर कॉलम्स इन पावर क्वेरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, रीज़न के मैं इसके और भी पार्ट्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, तो जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आपको सिंपल नोटिफिकेशन मिल जाए। नर्चरटेक एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा है आपके लिए जिस पे आप पावर क्वेरी के हर एक फीचर्स को इंडिविजुअल सीख पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी तरह की कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रहे इस नंबर पे हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।